स्वागत है आपका आज के नए क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था रासायनिक बलगतिकी चैप्टर जो था वो हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने आपको आणविकता और कोटि के बारे में बता दिया था कि क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे कोटि के हमने बारे में लास्ट में आपको बताया था कि कोटियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और शून्य कोटि की होती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहली है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यहाँ पर लिख देते हैं पहली है हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, हमने जाते जाते आपको ये बताया था अभिक्रिया का जो वेग होगा केवल एक अणु निर्धारित करेगा तो वो प्रथम कोटि होगी, दो अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे तो वो द्वितीय कोटि की, अगर तीन अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे तो वो तृतीय कोटि की, अगर कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगा। आपको क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगर आप यहाँ पे प्रथम कोटि की अभिक्रिया याद कर लेंगे तो इसके साथ में आपको द्वितीय, तृतीय और शून्य कोटि की अभिक्रिया बहुत आसान तरीके से आप याद कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। तो देखिए क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणु, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हमने बताया केवल एक अभिकारक अणु है तो क्या है वो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, C12H22O11, ये क्या है, चीनी का फॉर्मूला है, किसका है, चीनी का है। यहाँ पे हमने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, फिर भी यहाँ पर लिख दिया है हमने चीनी। और ये H2O वाटर है, और फिर C6H12O6, ये क्या बन गया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज हमारा बन गया है, यानी ये चीनी प्लस पानी जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन जाएगा। अब देखिए दूसरी रिएक्शन यहाँ पर लिखी है CH3COCH2H5, इसको बोलते हैं एथिल एसीटेट, क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए किसका होता है, एथिल एसीटेट। और फिर जब हम इसका जल में अपघटन कराएंगे, मतलब जल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा और एथेनॉल बनेगा। तो यहाँ पर CH3COOH ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला है और C2H5OH क्या है, एथेनॉल है। अब तीसरी रिएक्शन है 2H2O2, इसको हम बोलते हैं कि H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या है फॉर्मूला, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन निकलेगी, यानी H2O प्लस O2 ये बनेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आपको इसके लिए ये याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी प्रथम कोटि की है, कौन सी द्वितीय की है, कौन सी तृतीय की है और कौन सी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये रिएक्शन तो हमने कल भी आपको बताई थी तो आपको याद होगी, इसमें देखिए एक अभिकारक अणु होगा इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसका वेग भी केवल एक अभिकारक अणु है इसलिए प्रथम कोटि की, और इसका भी केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करेगा इसीलिए ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आपको ये रिएक्शंस याद करनी होगी क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में एग्जाम्स में ऐसे पूछा जा सकता है। रिएक्शन आपको दे दी गई है चार ऑप्शन में और कहा गया है कि कौन सी अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा, अगर इनमें से कोई ऑप्शन है तो आप उसमें टिक कर देंगे और आपका आंसर वो सही हो जाएगा। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण, तो पहला लक्षण है इसे पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है, मतलब ये रिएक्शन जब होती है तो इसको होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरा है सांद्रता n गुनी करने पर वेग भी n गुना हो जाता है, यानी इसका मतलब है सांद्रता जब हम n गुनी करेंगे तो वेग भी n गुना हो जाएगा। और इसके वेग स्थिरांक का मात्र क्या होता है, ये देखिए इसको बोलते हैं प्रति, क्या बोलते हैं प्रति, पहले भी बता चुके हैं प्रति सेकेंड, SC लिखा है यानी शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे सेकेंड, प्रति सेकेंड। तथा वेग का मात्र क्या होगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड, वेग स्थिरांक का मात्र प्रति सेकेंड और वेग का मात्र मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। और इसका फिर हमने समीकरण निकाल दिया, के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। कभी एक नंबर में एग्जाम्स में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, तो आपको ये लिख देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया और उसके लक्षण दोनों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, तो उसके बाद अब क्या बची, द्वितीय बची है, तृतीय बची है, शून्य कोटि की बची है। अब देखिए इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ये भी बहुत सरल है, अगर आपको प्रथम कोटि की याद हो गई है तो ये तीन भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इस पे डाल लीजिए नंबर 2, ये है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल दो अभिकारक अणु, पहले क्या था प्रथम तो क्या था एक अभिकारक अणु,
अणु। यहाँ पर क्या द्वितीय यानी दो अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। फिर उदाहरण इसका लिखते हैं 2O3 gives 3O2। यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज ना हो, ये जो O3 है, यहाँ पर O3 है ये ओजोन गैस है और जो O2 है ये ऑक्सीजन गैस है। ये तो आगे जो लिखे हैं नंबर ये तो उसकी अणुओं की संख्या है। यहाँ पर O3 क्या है, ओजोन गैस, और O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस है। अब बताते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं। देखिए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है, इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है। जो प्रथम कोटि थी उसमें क्या था, बहुत अधिक समय लग रहा था, यहाँ पर क्या है, अधिक समय लग रहा है। और यहाँ पर दूसरा लक्षण है सांद्रता n गुणी करने पर वेग n स्क्वायर हो जाता है, उसमें क्या था, केवल n था, यहाँ पे द्वितीय है तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। और इसके तीसरा लक्षण है यहाँ पर इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर प्रति मोल सेकेंड और तथा वेग का मात्रक प्रति लीटर सेकेंड होगा। देखिए उसमें प्रथम वाली में भी वेग का मात्रक यही था और द्वितीय वाले में भी वेग का मात्रक वही, बस वेग स्थिरांक का बदल गया है, लीटर प्रति मोल और आ गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पर मोल प्रति लीटर है, यहाँ पर लीटर प्रति मोल कर दीजिएगा, वेग स्थिरांक का क्या हो जाएगा, लीटर प्रति मोल सेकेंड, और वेग का मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है। यही प्रथम कोटि का भी होता है, द्वितीय का भी होता है, तृतीय का भी होता है और शून्य कोटि का भी यही होता है। वेग का मात्रक जो है वो चारों में यही होता है, बस यहाँ पर वेग स्थिरांक बदलता रहेगा। और देखिए अब हमने आपको द्वितीय कोटि के बारे में भी बता दिया है, अब तृतीय कोटि के बारे में बताते हैं। इसमें क्या होगा, तीन अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे। तो देखिए लिखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल तीन अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। कितने अणु, तीन अभिकारक अणु निर्धारित करते हैं, क्या कहलाती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यहाँ पे रिएक्शन लिख दी 2NO+O2 gives 2NO2। फिर देखिए तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है। तो नंबर एक है इसे पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, इसमें भी वही था, इसमें भी वही है। दूसरा क्या है, सांद्रता n गुणे करने पर वेग n³ हो जाता है, n³ गुना हो जाता है। यहाँ पर क्या था, n² क्योंकि द्वितीय थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n³ क्योंकि यहाँ पे क्या है, तृतीय है। अब तीसरा लक्षण है इसके वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर सेकेंड होता है और वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर सेकेंड होता है, प्रति लीटर सेकेंड। ये सब में वेग का मात्रक यही चल रहा है, यहाँ पर भी यही था, यहाँ पर भी यही है, बस यहाँ पर क्या है, लीटर प्रति मोल सेकेंड हो गया। इसका स्क्वायर इधर कर दीजिए तृतीय वाली में, तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर सेकेंड, ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा वेग स्थिरांक का मात्रक। अब तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी होगी, अब क्या आएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य का मतलब होता है जीरो, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग कोई अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करता है, वो क्या कहलाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब कोई भी अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसका एग्जांपल लिख दिया, H2+Cl2 gives at the presence of sunlight 2HCl। देखिए यहाँ पर आपको रिएक्शन को पढ़ने का भी तरीका समझिए, H2+Cl2 gives, इसको बोलते हैं gives एट द प्रेजेंस ऑफ, ऊपर क्या है, सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश है, तो बोलेंगे सनलाइट 2HCl, क्या है, 2HCl। ये हो गई शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसके लक्षण, अब देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या है। पहला है ये सदैव पूर्ण होती है। देखिए पीछे की जो तीन कोटियों की अभिक्रिया थी उसमें क्या था, उनको होने में अधिक समय लग रहा था, लेकिन इसको इसमें क्या है, ये पूर्ण होती है, ये हमेशा कैसी होती है, पूर्ण होती है। और दूसरा है इसका वेग नियत रहता है, नियत का मतलब कांस्टेंट रहता है। फिर तीसरा इसके वेग स्थिरांक और वेग दोनों का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर सेकेंड, यानी वेग स्थिरांक और वेग दोनों का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर सेकेंड होगा। आपको चारों कोटियों की अभिक्रिया बता दी है, कौन कौन सी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और शून्य कोटियों की अभिक्रिया लक्षण सहित बता दी है। आप क्या करें, उसको प्रिपेयर करें। और देखिए फिर से आपको बता देते हैं, प्रथम में क्या होगा, एक अभिकारक अणु निर्धारित करेगा, द्वितीय में क्या होगा, दो अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे, तृतीय में तीन अभिकारक अणु निर्धारित करेंगे, और शून्य में क्या होगा, कोई भी अभिकारक अणु निर्धारित नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। और फिर उसके लक्षण भी हमने आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं अभिक्रिया का वेग या दर, यानी अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मूला इसका होता है dx/dt, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, dx/dt। यहाँ पर x क्या है, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, सांद्रता को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंट्रेशन, और t यहाँ पर क्या है, समय। तो हमने आपको एक बात बताई थी, जब भी राशि बटे में लिखी होती है तो उसको बोलते हैं एकांक, लेकिन जब भी बटे में कभी समय लिखा होता है उसको बोलते हैं दर।
जब भी कहीं बटे में राशि लिखी होती है उसको बोलते हैं हम एक अंक, लेकिन जब भी समय लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं हम। तो यहाँ पर समय है यानी समय को हम क्या बोलेंगे, दर। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि सांद्रता, ऊपर क्या है सांद्रता, और डी क्या प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ पर डी प्रदर्शित कर रहा है परिवर्तन को, डी प्रदर्शित कर रहा है परिवर्तन को। तो इसकी जो डी है ये परिवर्तन है, तो सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हेडिंग डालनी है और लिखना है किसी अभिक्रिया की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। फिर ये आपको फॉर्मूला लिख लेना है, अतः अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt। ये आपको ये सब मत लिख लेना हिंदी, ये तो हमने आपको समझा दिया। आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे अतः डाल के लिखना है अभिक्रिया का वेग बराबर dx अपॉन dt लिखना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चारों कोटियों की हमने आपको अभिक्रिया बता दी है और अभिक्रिया का वेग भी आपको बता दिया है। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।